गाइस स्वागत है आपका अपना चैनल पैंथर 11 स्पीडियो में। हम बात करने वाले अमेरिकन बास्केटबॉल के रिगार्डिंग बात करेंगे। आज जो मैच खेला जाएगा और रोनाल्डो मैजिक वर्सेस आपको न्यूयॉर्क के साथ ये मैच होगा, मॉर्निंग का फर्स्ट मैच होगा। गाइस इस वीडियो में हम मिशेल और जेल के रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों टीम के जो आज के मैच की स्टार्टिंग 5 प्लेयर्स होने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो वन टीम की यहाँ पे लाइनअप भी कंफर्म आ चुकी है। सेकंड टीम जैसे न्यूयॉर्क की हम बात करते हैं, जैसे इनकी तरफ से ब्रूसनर जीटीडी है, मोस्टली चांसेस से स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। शूटिंग गार्ड से गाइज यहाँ पे रहने वाले हैं ग्रीम्स जो स्टार्ट करेंगे, स्मॉल फॉर्ड से बैरेट रहने वाले हैं। गाइज पावर फॉर्ड से हम बात करते हैं रंडाले स्टार्ट करेंगे, और सेंटर से गाइज यहाँ पे एम रोविंसन स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। जीटीडी यहाँ पे ब्रूसनर और रोविंसन जीटीडी आज के मैच में दिख रहे हैं। रोनाल्डो मैजिक की तरफ से गाइज बात करते हैं एम फ्यूल जो स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और शूटिंग गार्ड से गाइज जी हरी से स्टार्ट करेंगे, वैगनर आपको पावर फॉर्ड से स्टार्ट करेंगे, पोलोवेंचुरियो और गाइज यहाँ पे सेंटर से विली कार्टर स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। आउट प्लेयर्स की हम बात करते हैं जे सक्स आउट नजर आएंगे। अब गाइज बात करते हैं दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वीडियोज़ में आगे बढ़ने से पहले फाइनल एसएल टीम के लिए। गाइज आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि गाइज यहाँ पे फाइनल एसएल टीम और आपको लाइनअप्स वगैरह सभी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, बिल्कुल फ्री टीम होती है। गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में पिन क्यों मिलेगा, जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। हमारी टीम से बिल्कुल फ्री टीम होती है, या टेलीग्राम चैनल में भी जाते हो तो सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो @PanthER11ABC, और गाइज ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल। अब बात कर लेते हैं दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैजिक की टीम लास्ट मैच यहाँ पे विन करके आ रही है। तो जो परफॉर्म करने आते हैं एफ वैगनर जिन्होंने 39 मिनट्स प्ले किया था, 20 पॉइंट 4 रिबाउंड 6 असिस्ट 1 इनके स्टील थे। गाइज पोलोवेंचुरियो की बात करते हैं 37 मिनट्स प्ले किए थे, 18 पॉइंट 9 रिबाउंड 8 असिस्ट 1 इनके स्टील थे। फिली कार्टर जो आपको सेंटर से प्ले करते हैं 34 मिनट्स प्ले किए थे, 14 पॉइंट 9 रिबाउंड 2 असिस्ट 1 इनके ब्लॉक थे। एम फील जो आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे पॉइंट गार्ड सेक्शन से प्ले करते 31 मिनट्स लास्ट मैच प्ले किया था, 17 पॉइंट 5 रिबाउंड 5 असिस्ट 1 इनके ब्लॉक थे, 2 इनके स्टील थे। जी हैरिस की बात करते 24 मिनट्स प्ले किए थे, 22 पॉइंट 2 रिबाउंड 2 ब्लॉक 2 इनके स्टील थे। बेंच से प्ले करने आया था गाइस यहाँ सी एंथोनी जिन्होंने 30 मिनट्स प्ले किया था, 16 पॉइंट 7 रिबाउंड 5 इनके असिस्ट थे और 1 इनके स्टील थे। हैरिस की बात करते 16 मिनट प्ले किए थे, 2 इनके रिबाउंड थे 1 इनके ब्लॉक थे। हॉस्टन जो आपको 14 मिनट्स प्ले करते हुए नजर आ रहा है, 1 रिबाउंड 1 इनके असिस्ट थे। वैगनर लास्ट मैच 14 मिनट प्ले किए थे, 15 पॉइंट 3 रिबाउंड थे। सेकंड टीम की हम बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट की टीम लास्ट मैच लॉस करके आ रही है। जे ब्रूसनर लास्ट मैच 37 मिनट्स प्ले किया था, 25 पॉइंट कनेक्ट होते, 6 रिबाउंड 6 असिस्ट 1 इनके स्टील थे। रंडाले लास्ट मैच गाइज इनके जो पॉइंटर कनेक्ट नहीं हो रहे थे, 15 पॉइंटर कनेक्ट होते, 36 मिनट इन्होंने प्ले किया था। मेन प्लेयर से 30 पॉइंटर शूटर ये भी है, और गाइज ये रिबाउंड 6 कलेक्ट किए थे लंबे कद के प्लेयर से, सेंटर से प्ले करते हैं, और गाइज असिस्ट इन्होंने 9 कलेक्ट किया था 1 इनके असिस्ट से। परफॉर्म वैसे ठीक ठाक रहा था इनका। बैरेट की बात करते हैं, काफ़ी अटैकिंग प्ले किया इन्होंने, 36 मिनट प्ले किया, 26 पॉइंट कनेक्ट हुए थे, 6 रिबाउंड 5 इनके असिस्ट से। ग्रीम्स 26 मिनट प्ले किए थे, 22 पॉइंट कनेक्ट हुए थे, 2 रिबाउंड 1 इनके असिस्ट से। रोबिंसन सेंटर से प्ले करते 25 मिनट्स प्ले किए थे, 10 पॉइंट 8 रिबाउंड 1 असिस्ट 3 इनके ब्लॉक से। बेंच से प्ले करने आए थे गाइस यहाँ पे जे हार्ट जिन्होंने गाइस 30 मिनट प्ले किया था, 12 पॉइंट कनेक्ट हुए, 4 रिबाउंड 3 असिस्ट 1 ब्लॉक 2 इनके स्टील थे। हरी टेंसन की हम बात करते 90 मिनट्स प्ले करके आ रहे हैं, 2 पॉइंट 2 रिबाउंड 1 ब्लॉक 1 इनके स्टील थे। क्विगली की हम बात करते गाइस 90 मिनट प्ले किया था, 5 पॉइंट 4 रिबाउंड 3 असिस्ट 2 इनके स्टील थे। और टॉपमेंस गाइस लास्ट मैच 12 मिनट इनको चांस मिला था, 3 पॉइंट 4 रिबाउंड 1 इनके असिस्ट से। अब गाइस बात करते हैं आज के मैच के जो हम प्लेयर्स पिक करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट गार्ड सेक्शन से, जे ब्रूसनर दिखेंगे आज के मैच में, जीटीडी है, बट गाइस मोस्टली चांसेस से ये स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, अपने टीम में ट्राई करके जा सकते हो। एसएल और जेल्स में फुल जो आपको स्टार्ट करते हुए नजर आ रहा है आज के मैच में, से एंथोनी बेंच से प्ले करेंगे, अटैकिंग प्ले करते हैं क्विकली ये आपको बेंच से प्ले करेंगे। अगर क्रेडिट इशू नहीं होगी तो आप इनको ट्राई करके जा सकते हो, अदरवाइज इनको चाहो तो एसएल टीम में आप ड्रॉप करके जा सकते हो। गाइज जे सक्स आज के मैच में आउट नजर आएंगे, आप इनको ड्रॉप करके चलना। क्यू ग्रिम्स स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे अपनी टीम में चाहो तो, गाइज यहाँ पे क्यू ग्रिम्स या जी हरीश को लेकर के जा सकते हो। जी हरीश 7 क्रेट में अवेलेबल है और 8 क्रेट में ग्रिम्स अवेलेबल है, तो आप दोनों में से किसी एक प्लेयर को पिक कर लेना, क्योंकि क्रेडिट इशू मैचेज है। स्मॉल फॉर्ड से हम बात कर लेते हैं एफ वैगनर, ये आपको स्टार्ट कर रहे हैं आज के मैच में। जे हार्ट आपको बेंच से प्ले करेंगे, ये भी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। जे हार्ट पे अटैकिंग प्ले करते तो एफ वैगनर के साथ आप जा सकते हो अगर क्रेडिट इशू नहीं होती है, अदरवाइज गाइज यहाँ पे जे हार्ट भी आपके लिए अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। बोल बोल आपको बेंच से प्ले करेंगे,
हम बात कर लेते हैं पावर फोर्ड से। तो गाइज यहाँ पर रंडाले आपके लिए पीपी और एसपी के लिए अच्छे चॉइस बन सकते हैं अपनी टीम में गाइज, इनको मस्ट पिक करके जाना। पोलोविन जूडियो भी स्टार्ट कर रहे हैं, 15.5K में अवेलेबल है। बैरेट भी अटैकिंग प्ले करें तो बैरेट को भी ट्राई करके जा सकते हो। विटा डे आपको बेन से प्ले करेंगे, ओके के बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे। सेंटर से हम बात कर लेते हैं तो गाइज यहाँ पर आपको विली कार्टर रहने वाले स्टार्ट करेंगे अपनी टीम में ट्राई कर लेना। एम रोबिनसन जीटीडी है मोस्टली से प्ले करेंगे। एम वैगनर भी आपको बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे। रिटेंशन की बात करते हैं 7.5K में अवेलेबल है। अब गाइस बात करते हैं सेटिंग प्रीव्यू की जो आज के मैच में हमारी रहने वाली है। उससे पहले गाइस आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आने वाली है फाइनल असल टीम और आपको लाइनअप्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये लिंक गाइज आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से कमेंट सेक्शन में पिन किया मिलेगा, जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। हमारी टीम से बिल्कुल फ्री टीम होती है। और गाइज आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। क्योंकि गाइज यहाँ पर आपको सभी बास्केटबॉल की वीडियोज़ मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, सभी की टीम गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री टीम होती है। सेटिंग प्रीव्यू की हम बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो एम फील्ड स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने टीम में। गाइज इनको ट्राई कर लेना। सी एंथोनी भी रहेंगे जो पाव पॉइंट का सेक्शन से प्ले करेंगे, आपको बेंच से प्ले करते हुए नजर आएंगे। जी हर इसकी बात करते हैं शूटिंग गार्ड से प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। और गाइज यहाँ पे जे हट जो आपको स्मॉल फॉर्ड से प्ले करेंगे बेंच से, और रंडाले की हम बात करते हैं पावर फॉर्ड से स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने टीम में ट्राई कर लेना। बैरेट भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। विली कार्टर की बात करते हैं सेंटर से प्ले करेंगे, एम रॉबिन्सन भी आपको सेंटर से प्ले करते हुए नजर आएंगे। सेट वैसे गाइज ये हमारी सेट टीम है, सेट करके रखना। फाइनल टीम के लिए गाइज मैंने लिंक दे दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। हमारी टीम से बिल्कुल फ्री टीम होती है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। और गाइज आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप योर सपोर्ट विद पेंथर 11।